दोस्तों एचएससी ग्रुप डी सीईटी परीक्षा में जाने से पहले जो है आप इस वीडियो को जरूर देख लें। क्या क्या गाइडलाइन जो है दोस्तों आपने फॉलो करनी है, किस प्रकार से जो है दोस्तों अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी फ़ोटो उस पर लगानी है, क्या आईडी प्रूफ अपने साथ में लेके जानी है, हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं उनका टाइम टेबल क्या रहेगा, तमाम जानकारियाँ जो है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों HSC ग्रुप डी CET परीक्षा को लेकर जो है दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। 21 और 22 अक्टूबर को जो होने वाली जो परीक्षा है दोस्तों, इसको लेकर आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है हमने परीक्षा केंद्र में लेके जाना है, कौन सा एडमिट कार्ड जो है दोस्तों हमने लेके जाना है, क्या आईडी प्रूफ लेके जानी है, कितनी फ़ोटो जो है लेके जानी है, कौन सी फ़ोटो जो है दोस्तों एडमिट कार्ड पर और कहाँ पर चिपकानी है। उसके बाद जो है दोस्तों हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं उनमें जो मुफ्त यात्रा आप करने वाले हैं 21 और 22 अक्टूबर को, क्या कैंडिडेट 20 तारीख को और 23 तारीख को भी मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, जिनका 21 तारीख को एग्ज़ाम है क्या वो 20 तारीख को जा सकते हैं, या फिर जिनका 22 तारीख को एग्ज़ाम है क्या वो 23 तारीख को आ सकते हैं, A to Z जानकारी जो है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सबसे पहले जो है दोस्तों आपके एडमिट कार्ड को लेकर, एडमिट कार्ड में जो है दोस्तों अपने फ़ोटो बिल्कुल सेम फ़ोटो चिपकानी है जो आपके एडमिट कार्ड में है। अगर किसी के डाउट है कि भाई हमारे पास ये फ़ोटो नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है आपने रजिस्ट्रेशन करवाए हुए, शायद ही किसी कैंडिडेट के पास फ़ोटो मिलेंगे, तो आपने क्या करना है आपके HD फुल HD में आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं फ़ोटो वाले के पास जाकर, और आप अपनी जो फ़ोटो है उसको आप बनवा सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आपने रंगीन एडमिट कार्ड लेके जाना है या फिर आपने ब्लैक एंड वाइट जो है अपने एडमिट कार्ड को लेके जाना है, वो दोस्तों आपकी च्वाइस है, किसी प्रकार का आप एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो फ़ोटो आ रही है वो आपकी बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। आईडी प्रूफ में जो है दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड क्या ले जाना है, तो दोस्तों जिसमें फ़ोटो हो, साफ फ़ोटो हो बिल्कुल, वो आईडी प्रूफ अपने साथ में लेके जानी है। और कुछ जो है दोस्तों आपने परीक्षा केंद्र के दौरान नहीं लेके जाना है। अगर आप कोई भी विकल्प को खाली छोड़ते हैं, अगर आप जो 5 विकल्प दिए गए हैं किसी क्वेश्चन के, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप उनमें से किसी को भी बिल्कुल ही नहीं भरते हैं कोई भी ऑप्शन, तो इस दौरान नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है, 0.9 मार्क्स आपके जो हैं वो काट लिए जाएंगे। फ़ोटो जो है दोस्तों आपने कहाँ पर चिपकानी है, फ़ोटो जो है दोस्तों आपने इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो है अपने अपनी फ़ोटो लगानी है, और इसी के नीचे जो है दोस्तों हरियाणा रोडवेज बस पास के लिए भी जो है यहाँ पर दिया गया है। कैंडिडेट जो है दोस्तों हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जिनका 21 तारीख को है वो 20 तारीख को जा सकते हैं, आपका किराया नहीं लगेगा। लेकिन ये नहीं है कि भाई जिनका 22 तारीख को है और वो कैंडिडेट 20 तारीख को जा रहा है, अगर 22 वाला कैंडिडेट 20 तारीख को जाता है और वो अगर वो पकड़ा जाता है तो इस दौरान जो है 500 रुपये की जो है आपकी पर्ची भी कटेगी। और अगर कोई कैंडिडेट 21 तारीख का एग्ज़ाम है कैंडिडेट का और अगर वो 23 तारीख को वापस आता है तो उसमें भी जो है दोस्तों आप पकड़े जाने पर जो है आपका जुर्माना लगेगा और 500 से लेकर 1000 रुपये तक का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन 21 और 22 तारीख को जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री है, आप किसी भी समय आ सकते हैं और किसी भी समय आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों पेन को लेकर जो है, पेन NTA के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो चाहे नीला पेन हो या फिर वो काला पेन हो, तो इसमें से जो है यहाँ पर जो है दोस्तों अपने सिग्नेचर जरूर करने हैं, थंब जरूर लगाना है, यहाँ पर आपके थंब लगेगा और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। दोस्तों जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें वहाँ पर भी अटेंडेंस के तौर पर सिग्नेचर और आपके थंब लगते हैं, अगर ये दोनों में से कुछ भी अगर एक भी पेंडिंग में रह जाता है तो आपको एबसेंट माना जाएगा। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ध्यान से जो है दोस्तों पेपर को देना है और ध्यानपूर्वक जो है दोस्तों जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर हो रहे हैं, आपके थंब लग रहे हैं, अगर आप अपने पेपर में बिजी हैं तो, और इस दौरान जो है वहाँ पर जो ड्यूटी इंचार्ज हैं आप उनसे भी पता कर सकते हैं,
समय को लेकर जो है दोस्तों आप घड़ी नहीं बांध के जा सकते हैं, वो आपको जो घड़ी है वो वहाँ पर आपको दीवार पर घड़ा जो है वो मिल जाएगा, आप उसमें टाइम देख सकते हैं। बाकी एक बार हाफ टाइम जो होगा उस दौरान भी जो है दोस्तों घंटी बजेगी, और जो पेपर जब आपका ख़त्म होगा उस दौरान भी घंटी बजेगी, पेपर स्टार्ट होगा जब भी आपकी घंटी बजेगी। लेकिन जो पेपर की सील है वो भी आपने ज़रूर चेक करनी है, बाद में ये नहीं रहेगी भाई आपका पेपर खुला हुआ था या फिर कैसा पेपर था, तो आपने उसको भरने से पहले अपनी सील को प्रॉपर चेक करना है, उस पर नाम, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, तमाम जानकारियाँ उस शीट पर आपको देखने को मिलेंगी। वो सभी चेक करने के बाद ही जो है दोस्तों आप अपनी शीट को, जो आपकी सील है उसको ओपन करें। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। HSC भर्तियों से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट।